नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, हमने नाटकों के पात्रों को पहले भाग में पढ़ा था जिसमें सभी महत्वपूर्ण नाटक थे। तो चलिए अब आगे महत्वपूर्ण नाटकों को पढ़ते हैं और उनके प्रमुख पात्रों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन राकेश, इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन और यह प्रकाशित हुआ 1958 में और इसके प्रमुख पात्र हैं अंबिका जो एक गांव की वृद्धा है और मल्लिका वृद्धा की पुत्री है और कालिदास जो कि कवि है और दंतुल जो राजपुरुष है, मातुल जो कवि है और निक्षेप जो ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम का ही पुरुष है, रंगिणी नागरी, संगिनी नागरी, अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी, प्रियंगु मंजरी राजकन्या और कवि पत्नी है। और अगला नाटक है लहरों के राजहंस, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ और इसके पात्र हैं नंद जो कि बुद्ध का सौतेला भाई है, सुंदरी नंद की पत्नी है, अलका दासी है, मैत्रेयी नंद का एक मित्र है और निहारिका दासी है, भिक्षु आनंद जो कि बुद्ध का शिष्य है, शशांक गृहाधिकारी है और श्वेतांग कर्मचारी और श्यामांग यह भी कर्मचारी है। और मोहन राकेश का अगला नाटक है आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ और इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, काले सूट वाला आदमी, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, सावित्री जो कि महेंद्रनाथ की पत्नी है, बिन्नी बड़ी लड़की, किन्नी छोटी लड़की और अशोक जो कि लड़का है। अगले नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनका नाटक कोणार्क जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, इसके प्रमुख पात्र हैं वेशु, धर्मपद, नरसिंहदेव, राजराज चालुक्य, सोम, श्रीदत्त, राजीव, शैवालिक, महेंद्र वर्मा, भास्कर, गजाधर, प्रतिहारीगढ़ और सैनिक। अगला नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का ही पहला राजा, 1969 में प्रकाशित, इसके पुरुष पात्र हैं गर्ग, अत्रि, शुक्राचार्य, सूत, मागध, पृथु, कवश, पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया और अन्य ग्रामीण। और नारी पात्रों में सुनीता, दासी, अर्चना, उर्वी। और अगले नाटककार हैं भीष्म साहनी, इनका नाटक है हानूस जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ और इसके पात्र हैं हानूस, कात्या हानूस की पत्नी, यानका उनकी बेटी है, हानूस का पादरी भाई, हुसाक, जान, सेवचेक, जार्ज टावर, पहला आदमी, दूसरा आदमी, राजा, पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी, लाल पादरी और एक आदमी इसके पात्र हैं। अगला इनका नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, जो कि 1981 में प्रकाशित है, इसके पुरुष पात्र हैं कबीर, नूरा कबीर का पिता, नीमा कबीर की माँ, लोई कबीर की पत्नी, काशी का नगर कोतवाल, कायस्थ, महंत, मौलवी, अंधा भिखारी, रैदास, सेना, पीपा, बसीरा, अंधे भिखारी की माँ, सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली का शहंशाह होता है। और अगले नाटककार हैं धर्मवीर भारती, इनका नाटक है अंधायुग जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ और इसके पात्र हैं अश्वस्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युयुत्स, गुंगा भिखारी और बलराम। अगले नाटककार हैं शंकर शेष और इनका नाटक है एक और द्रोणाचार्य जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ, इसके पात्र हैं अरविंद, ललिता, प्रेसिडेंट, अनुराधा, चंदू, द्रोणाचार्य, कृपी, दुर्योधन, द्रौपदी, अश्वत्थामा। अगले नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, इनका नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो कि 1975 में प्रकाशित, इसके पुरुष पात्र हैं वक्काक, महामात्य, पुरोहित, महाबलाधिकृत, प्रतोष और नारी पात्रों में शीलवती, महत्तरिका, प्रतिहारी। और
इनका अगला नाटक है आठवां सर्ग, जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ, और इसके पात्र हैं प्रियंवदा, कीर्ति भट्ट, अनुसुईया, प्रियंगु मंजरी, कालिदास, सौमित्र, चंद्रगुप्त। और इन्हीं का अगला नाटक है शकुंतला की अंगूठी, जो कि 1990 में प्रकाशित, इसके पुष्पात्र हैं कुमार, चमन, टाइगर, निरंजन, छोटू, मैनेजर, मजदूर। और नारी पात्रों में नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक, सेठानी और माँ। और अगले नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि इनका नाटक है बकरी, और इसका प्रकाशन 1974 में हुआ, और इसके पात्र हैं नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत, युवक, ग्रामीण जन में काका, काकी, चाचा, रामा, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। अगले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, और इनके नाटक हैं कल्कि, कर्फ्यू, नरसिंह कथा, कथा विसर्जन, शुरू हो गया नाटक। तो कल्कि नाटक के पात्र हैं हेरूप, तारा, अवधूत, तांत्रिक, एक वृद्ध, दो स्त्रियां और तीन कृषक। और कर्फ्यू, जो कि 1972 प्रकाशित, इसके पात्र हैं मनीषा, गौतम, संजय, कविता। और दोस्तों कल्कि का प्रकाशन 1969 में हुआ, और नरसिंह कथा इसका प्रकाशन 1975, और इसके पात्र हैं जय, विजय, प्रहलाद, वज्रदंत, हिरण्यकश्यप, हुतासन, शुक्राचार्य, महारक्षक, सैनिक, कयाधु, जो कि भागवती है, और नर्तकी, और कुछ लोग। और कथा विसर्जन, जो कि 1987 में प्रकाशित, इसके पात्र हैं माँ, प्रकाश, नीलम, नाथु, गोपी, सोनू, आशा, सेठी और गांव के लोग। और अगला नाटक है इनका शुरू हो गया नाटक, इसके पात्र पाल जी, जया, सविता, शर्मा जी, बुलाकी, सिंह साहब, सिन्हा, वर्मा, टंडन जी। और इन्हीं का अगला नाटक है तुम चंदन हम पानी, यानी लक्ष्मी नारायण लाल का ही, और इसके पात्र हैं रविदास, गंगा, विदूषक, ब्राह्मणी, डाकू, राजा, रानी। और अगले नाटककार हैं जैनेन्द्र कुमार, इनका नाटक है पाप और प्रकाश, इसके पात्र हैं जोधराम, सोना, मेमा, नंदी, चंदन, रिसाल, कुशलो, रजनी, देवकी, मंगल, किशन, दूल्हा, ठाकुर। तो दोस्तों ये प्रमुख नाटककार और उनके नाटक हैं और उनके पात्र हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।